लीग है, क्योंकि एक तरफ पंचाला प्राइड जो पूरी तरीके से आर्यन कुमार अपनी टीम के लिए वो शुरुआत करते नजर आएंगे, जो आपको फिलहाल यहाँ से क्वालिफिकेशन चाहिए, समिट राउंड में जाना होगा। हिमालयन थास का स्क्वाड सुंदर अनुभव हम सभी ने देखा, जहां पर दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार खेल रही थी। तो इस मैच रिवाकियस विंटर एडिशन 2023 का मैच नंबर 103 की तरफ हम सभी बढ़ चुके हैं। मैं हूं कमेंट्री बॉक्स में हर्षित शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं आयुष शर्मा और आशीष नरवाल। पहली रेड क्योंकि टॉस पंचाला प्राइड ने जीता था, पहली रेड लगाने का मौका आशीष नरवाल को मिलना ही था। आशीष अंदर जाएंगे, रेड लगाने का करेंगे प्रयास, आते राइट कॉर्नर को शिकार बनाते हुए। आज क्या वो आयुष आपने कहा था जब काउंट डाउन और उस बोनस से क्या पूरी तरीके से संतुष्ट है पंचाला प्राइड का ये खेमा? और देखिए पंचाला प्राइड के लिए मुकाबला ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो छठे पायदान पर मौजूद है और अगर ये मुकाबला जीतेगा तो सीधा चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा। पर क्योंकि अगर ये मुकाबला हिमालयन थास जीता तो उनके लिए जो है वो जद्दोजहद बढ़ जाएगी और वो भी यही प्रयास करेंगे कि हम हमारे हाथ में जो अभी है वो सभी कार्यों को करते हुए नजर आए। इस बार इनकी पोजीशन से राइट, इनकी पोजीशन से 11 नंबर जर्सी को फुटवर्क देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, अपर बॉडी को जैसे ही पकड़ लिया गया उसके बाद अपने लोअर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, पांव को एक्सटेंड करते हुए अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आया। उदित कुमार इस मुकाबले में पहली बार रेड करने के लिए आए हैं और उनकी रेड में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि पंचाला प्राइड का डिफेंस पूरी तरीके से तैयार है। अंकित कुमार जिनको फिलहाल सब्स्टिट्यूशन करके बुलाया गया था, उन्होंने ही वही इनिशिएशन दिखाया है। अर्शद बिल्कुल, यहाँ पर अंकित वहां जाने वाला था और कहाँ पर जा रहा है आयुष, इसलिए कहते हैं कबड्डी में सेकंड दर सेकंड वहां पर जो मैच है वो बदल जाता है, बदलाव आ जाता है। आशीष नरवाल 6 का डिफेंस, इनफैक्ट 7 का, 7वां खिलाड़ी आराम से रिलैक्स कर रहा है, ग्राफिक्स के पीछे थोड़े से छुप से गए थे लेकिन यहाँ छुपने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कवर्स के खिलाड़ी को टच मार के यहाँ रिवाइवल भी निकाला है और पंचाला प्राइड की तरफ से सुजीत शाह को बार किया जिन्होंने अब तक डिफेंस, और पिछली बार भी उन्होंने बहुत बार यही गलती की थी, जरूर वो डिफेंडर नहीं बट पंचाला प्राइड ने वो गलती की थी जिनमें से एक राहुल की भी थी और जर्सी नंबर 45 भी बाहर जा चुके हैं। रिव्यू मांग रहे हैं आशीष नरवाल, इसमें रिव्यू का शायद कोई तुक बनता नहीं है। अगर वहां पर लाइन रेफरी ने देखा है और वो कह रहे हैं तो अक्सर आपको रिव्यू नहीं लेना चाहिए। आशीष बहुत कॉन्फिडेंट है, रिव्यू की मांग कर रहे हैं कि मैं वहां पर सेल्फ आउट नहीं हुआ हूँ, क्या ले रहे थे बट वहां पर उसके बाद मना किया। पहले राहुल अपने आप को थोड़ा सा संभल के खेलते हुए नजर आए, फिर एक अचीना है कि यहाँ पर आपको अंशुल भट्ट आज जो खेल रहे हैं वो रेड लगाते हुए दिखाई दिए, एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। राहुल कुमार इस बार रेड लगा रहे हैं, लेफ्ट रेडर हैं, रेड में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि इजी पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, लेफ्ट की आवश्यकता है नहीं। हालांकि हमें पता है हिमालयन थास की टीम इस मुकाबले में पिछड़ रही है, मस्ट विन सिचुएशन है, मुकाबला गंवाया तो आपके सारे के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। तो पंचाला प्राइड को भी पता है कि संभल के खेलना, औपचारिक क्वालिफिकेशन आने बाकी, कप्तान का शिकार हुआ है, कॉर्नर से बाहर हुआ है। यहाँ आर्यन इस बार का साथ मिला वहाँ हिमालयन थास और उनके डिफेंस में मौजूद अंशुल को, वरना यदि वो किक सीधे फेस पे आती तो मुश्किलात का सबब बन जाती। ये बैक होल्ड है और इसी के चलते पंचाला प्राइड के डिफेंस ने फिर पॉइंट निकाला। हिमालयन थास के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं, पहले दो डिफेंडर्स को तोड़ा, उसके बाद रेडर को पूरी तरीके से निचोड़ा। ये आर्यन कुमार है, सिर्फ और सिर्फ एंकल नहीं बैक के ऊपर भी अब बार मिड लाइन को क्रॉस कर देते, बट अब आशीष नरवाल थोड़े से पॉज के बाद वहां पर आए, हल्का सा पर स्लाइड ब्रेक लिया, बट अब एक बार फिर से रेड पर आते हुए 6 का हाउस है, 6-7 महीने रेड लगाना पसंद है। कवर सही समय पर पीछे नहीं हुए, कॉर्नर अटैक सही समय पर नहीं कर पाया और दोनों को शिकार बनाते हुए यहाँ पर कभी कभार आयुष हम देखते हैं ना कि संक्रांत पर एक ही पतंग दो पतंगों को काट जाती है, वैसा ही इस बार वो कार्य हुआ। और जयपुर एडिशन जिसने देखा होगा वो जानता है आशीष नरवाल क्या घर गुजरने का दमखम है और कैसे वो अपनी टीम के लिए एक सबसे बड़े मैच विनर है। यहाँ इनकी पोजीशन से अटैक आता हुआ और आयुष एक और सबसे बड़ी बात ये, अब मुझे जाकर यहाँ पर याद आया मोहित शर्मा एक और बार शिकार बना दिए गए हैं और आशीष नरवाल और अंकित कुमार ये दो पेरियार पैंथर्स में वहां पर खेले। आर्यन पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रैवल करके डैश करने की भी कोशिश कर रहे थे, फ्रंटल ब्लॉक भी चाह रहे थे, आज के मुकाबले में उन्होंने ऐसा कोई भी उड़ता तीर नहीं लिया, सिर्फ कॉर्नर संभाल के खेलिए। क्या कप्तान बनाने से थोड़ी और समझ आ चुकी है, थोड़ी और मैच्योरिटी आ चुकी है इस खिलाड़ी में? अंकित वर्सेस आशीष,
एक टीम के दो खिलाड़ी जो हमें जयपुर एडिशन में नजर आए थे, इस बार अंकित ने दावा बोला आशीष पर। पता है कि आशीष तेजी से भागते हुए आएंगे, रोहित भी वहां पर एंगल वाल का जो बढ़त है वो शायद पंचाला प्राइड के पास 9 अंकों की। और आयुष आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या सटीक कुमार को 2 पॉइंट मिले हैं, उसके अलावा किसी भी खिलाड़ी बचे हुए 20 मिनट में टाइम बढ़ेगा, नंबर ऑफ रेड्स आएगी, गेम को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये स्ट्राइक रेट नीचे आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कॉर्नर को पूरी तरीके से छकाते हुए पसाते हुए हिमालयन थास के डिफेंस को टॉबी के साथ और रोसी के चलते वहां पर पॉइंट आया। आर्यन के पास में चाहिएगा उदित जाधव क्योंकि आप वहां पर शिकार बन चुके हैं, कवर को अटैक करने चाहिए, कवर को ट्राई कीजिए या फिर रंग आर्यन से थोड़ा सा दूर फुटवर्क दर्शाइए। आर्यन से दूर फुटवर्क दर्शाया, आर्यन उतरे एंकल होल्ड के लिए, कवर का भी साथ आया और वहां नलिफाई करते हुए सपोर्ट को निकल गए। पहला शायद फॉल्स एरर यहां पर नजर आया आपको आर्यन की तरफ से। आ जाइयूष आज के मुकाबले में यदि अनसक्सेसफुल टैकल्स को देखा जाए तो आर्यन कुमार दो समझदार खिलाड़ी एक साथ आपको नजर आए, का मतलब ये नहीं है कि बाकी खिलाड़ियों के समझ के ऊपर ये सवाल है, लेकिन अंकित कुमार का जो एक्सपीरियंस वो यहाँ फिर दर्शाया जाएगा। अपने आप को सही समय पे पीछे की तरफ खींच लिया गया और उसी के चलते हिमालय के डिफेंस में क्या सनी लाल वहां पर मौजूद, फिर से 3 का हाउस है, एक बार सुपर टैकल हो चुके हैं अंकित कुमार, क्या फिर से वहां पर क्लोज जाएंगे, इनकी पोजीशन पर वहां पर हैंड टच करने का प्रयास किया। हर्ष डाका अंदर आ चुके हैं, आशीष नरवाल को भी ध्यान रखना होगा, पर तीनों डिफेंडर्स को इस बार अंकित कुमार ने बुलडोज किया और निकल गए इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल उड़ान की तरफ, कमाल मूवमेंट की तरफ उड़ान भरते हुए। जैसे इज माय ट्रिप आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है, उड़ान देता है बहुत ही कम कीमतों पर, बहुत ही रेजिलियंस वहां पर, वैसा ही परफॉर्मेंस यहां पर रेजिलियंट अंदाज में मिल रही वहां पर। और सनीलाल को बचना होगा लगातार, थोड़ा सा पीछे आप खेल सकते हैं क्योंकि आशीष नरवाल को हमने देखा है कि कॉर्नर से उन्हें पॉइंट ज्यादा नहीं मिले, और खासकर लेफ्ट कॉर्नर जब इतना अच्छा खेल रहे हैं वहां पर आपके लिए आर्यन कुमार अच्छा अटैक, हर्ष डाका का बहुत ही अच्छा अटैक, आज मोहित तो पूरे ऑफ कलर नजर आए हैं, पूरी तरह से मोहित शर्मा शायद समझ नहीं पाए कि कहां उन्हें अटैक होगा, कहां उन्हें ट्रेवल करना है, कहां उन्हें बचना है। विश करते हुए हमारे सभी दर्शकों को दीपांजलि वहां पर मौजूद है जो ऑपरेशंस को यहां पर मैनेज करती है, ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस को मैनेज करती है और बड़ा ही कर्मठता के साथ अपना कार्य करती है। बट कर्मठता की हम बात करते हैं तो उसी के रिलेटेड वर्ड एक करमवीर है जो करिश्माई है, और ये करिश्माई ठाकुर की रेड जो पूरे हिमालय अंदाज को तहस नहस कर देगा। करमवीर करिश्माई ठाकुर एक बार फिर से टर्न किया, सांप की तरह निकलते गए, लगातार टर्न करते हुए टंबल करते हुए अपनी टीम के लिए 5 अंक तो कम से कम अर्जित कर गए हैं। पंचाला प्राइड का ये करमवीर का पंजा क्या पूरी तरह से अब हिमालय अंदाज को जीत से दूर कर देगा। दीपांशु बलियान का अटैक आया, यहाँ देखिए स्ट्रगल जारी था, कोई भी उनके हाथ को नहीं रोक पाया। इनेट के लिए भी अगर अपनी सीट से उठकर कहीं गए होंगे तो उनके लिए मैच पूरी तरह से बदल गया है। पंचाला प्राइड जहाँ ऑल आउट की तरफ बढ़ रहा था, वहां हिमालय अंदाज ऑल आउट की तरफ बढ़ रहा है। जन्नत की हकीकत तो हमें भी मालूम है हर्षित, लेकिन दिल बहलाने का ये तरीका बुरा नहीं है। मैं समझ गया कहाँ निशाएं कहाँ निगाहें थी और कहाँ निशाना था, लेकिन निशाना पंचाला प्राइड का सटीक है, इसमें कुछ 6 अंक जाता है इस मैच से। और अच्छा क्या हम जल्दी से पॉइंट्स टेबल भी देख सकते हैं, और हम वहाँ पर अगर हम देखें तो शायद 6ठे पायदान पर अभी पंचाला प्राइड मौजूद है। मिनी पॉइंट्स टेबल हम देखना चाहेंगे, आशीष नरवाल को जरूर रिवाइवल मिलेगा। आशीष नरवाल अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स वहाँ पर अर्जित कर रहे हैं और यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 5 PM पॉइंट टेबल की तरफ वहां पर ध्यान देगी आयुष तो पता लगेगा हमें कि कितना अंतर वहां पर है। देखिए यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 26 पॉइंट के ऊपर विजयनगर वीर्स की टीम है। जितना मोहित शर्मा को जानते हैं, आज करमवीर ने जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट मोहित शर्मा आपकी आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर आपका मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष नरवाल 13 अंक ले चुके हैं, रोहित सिंह टाटा बाय बाय, 7वीं 8वीं बार शायद वापस जा रहे हैं बेंच पर। हेडशॉट्स की हम बात कर रहे थे जो कि आप एक बहुत ही प्रचलित गेम में देखते हैं, और इस गेम में हेडशॉट का अर्थ है कि पूरी तरह से क्लीन अटैक आपने किया हो जिसके बाद रेडर को बचने का कोई मौका ना मिला हो। बट यहाँ देखिए ये अटैक बिल्कुल जो था कमजोर था, और राहुल कुमार भी कहते हुए कि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स इजीली मिल रहे हैं। आप करने की तो आप अपने राइट कॉर्नर को साहब थोड़ी सी बैठिए, कोच साहब थोड़ी सी वार्तालाप कीजिए कि रोहित क्यों अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब आर्यन इतना अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं।
राहुल कुमार को इस बार यहाँ पर कर लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा। अभिषेक पांडे का भी हाई फाई पूरा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सुपर टैकल आता हुआ हिमालयन थास के लिए। कमाल का सुपर टैकल हिमालयन थास ने आज के मुकाबले में, कम से कम दो सुपर टैकल हिमालयन थास गवा दिया, ये मुकाबला भी गवा दिया, ये रेफरल भी। अब सवाल सिर्फ ये है कि कितने फासले से अभिषेक पांडे डिफेंस के अंदर आज कमाल किया है इस खिलाड़ी ने, लेकिन क्या रेडिंग में भी वो स्किल सेट है कि कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं। 6 पॉइंट सक्सेसफुली टैकल्स के अंदर है, लेकिन यहाँ ओहो व्हाट अ डाइव इट वाज, डेफिनेटली गेट फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दैट। फर्स्ट ही इंश्योर्ड दैट बोनस, देन वेंट अवे विद दैट। बहुत ही अच्छे अंदाज में वहां पर निकले और एक अपॉर्चुनिटी दिलाई वहां पर हिमालयन थास को कि चलिए ऑल आउट मत हो। ये यहाँ अटैक आया और ये अटैक भी वहां पर उतना कारगर नहीं था अभिषेक पांडे का कि यहाँ पंचाला प्राइड के अंकित को रोक पाए। तो विराट कोहली पोजीशन से आकर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने, यानी कि करमबीर ठाकुर और साथ ही साथ अंकित कुमार ने, पूरी तरह से मैच के मनसूखों को बदल दिया, ऊंट को अपने करवट बिठा लिया और इस मुकाबले को जीत लिया और चौथा पायदान वहां पर अंक तालिका पर अर्जित कर लिया। तो बाहर किया है और सिर्फ इस मुकाबले से ही नहीं बल्कि इज माई ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन के इस